बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे रिस्पांस देख रहा हूँ ऑडियंस से कोई भी पिक्चर के लिए. और जब ये मैंने कहा था एक टाइम पे कि लोग जॉन अब्राहम को भूल जाएंगे, सिर्फ मनिया सुर्वे को याद रखेंगे. आई थिंक इट्स नाइस व्हेन पीपल कॉल यू मनिया सुर्वे. जी मुझे नेगेटिव अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. आई फाइंड नेगेटिव वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि पॉजिटिव रोल्स मेरे लिए जैसे रोम कॉम्स हैं, रोमांटिक कॉमेडीज़, ज़्यादातर मैं उसमें फिट नहीं होता हूँ. मेरा एक इमेज बन चुका है एक्शन अब्राहम का. मुझे एक्शन बहुत पसंद है, मुझे रफ रोल्स बहुत पसंद है. सो आई एम एंजॉइंग दिस स्पेस. जी काफ़ी सीन्स बहुत ही डिफिकल्ट थे, क्योंकि इसमें इस फिल्म में लोकेशंस बहुत ही टफ थे. तो जिस लोकेशंस में हमने शूट करा था, जैसे एक सीन है जहाँ मैं दिलावर को बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि नीचे उतर, कहा था ना मैंने जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा बॉम्बे का नया बाप, तो वो हमने डोंगरी में शूट किया. काफ़ी डिफिकल्ट था उसको कंट्रोल, क्राउड को कंट्रोल करने में. लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो क्राउड थी वहाँ पर बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही कोऑपरेटिव. और अभी भी याद है मुझे, जहाँ पे मैं शूट कर रहा था और ऊपर देख रहा था और किसी को बुला रहा था, उसके ही घर के अंदर मैं था पूरा दिन. और मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने हमें संभाला, तो शायद अगर ये इंटरव्यू देख रहे तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. जी एक्चुअली ये सब ये हमने इस तरीके से इसीलिए शूट किया कि आप लोग बाहर निकल के यही सवाल पूछे अपने आप को और अपने में कि ये इनकाउंटर जस्टिफाइड था कि नहीं. सो आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन उसका जवाब तो मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ. जो फिल्म में दिखाया है वो दिखाया है, और वो काफ़ी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बुक के हिसाब मुताबिक जो हुसैन जैदी ने लिखी डोंगरी टू दुबई, इट्स एग्जैक्टली जो कॉन्वर्जेशन भी हुआ वो वैन के अंदर, काफ़ी वो भी डॉक्यूमेंटेड. Everything is very very true. मैं दिलावर को देख के बोलता हूँ कि कहा था ना मैंने जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा बॉम्बे का नया बाप मनिया सुर्वे. It's a kind of love. I like it. It's better than getting written about badly sometimes. It's better to get scratched out of love. So I enjoy it. But thanks, yeah, guys. Let's hope that people enjoy this film for another 2 weeks. They are enjoying it.